हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की जो प्राचीन नदियां हैं उनके नाम और भारत की आधुनिक नदियों के नाम के बारे में बताऊंगा, यानी कि जो नाम आज प्रचलित हैं वो प्राचीन समय में क्या थे। तो वो नाम मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए काफी हद तक जो मेन नदियां हैं भारत की उन नदियों के नाम बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे पास जो पहली नदी है वो है कुरभू, भारत की प्रमुख नदियों का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम में अगर बात करें तो वह है कुरभू, और अब उसका नाम है कुर्रम। कुर्रम नदी के नाम से प्रसिद्ध है और पहले उसे कुरभू नाम से जाना जाता था। उसी की बात आती है कुभा, जो कि काबुल नदी है, अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है। तो काबिल नदी का जो पुराना नाम था वो था कुभा। ठीक है, फिर आती है वितस्ता, जिसे कहते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का ही प्राचीन नाम वितस्ता नदी है। ठीक है, फिर आते हैं आस्कनी। आस्कनी जो है वो है चेनाब नदी, जो आज की चेनाब नदी है प्राचीन समय की आस्कनी नदी है। तो चेनाब नदी को ही आस्कनी नाम दिया गया है प्राचीन समय में। नेक्स्ट है फिर है पुरुषणी। पुरुषणी जो नदी है वो है आज की रावी नदी। जो रावी नदी प्रवाहित होती है वही पुरुषणी नदी है। फिर है शतुद्री। शतुद्री जो नदी है वो है सतलज नदी। सतलज नदी का ही प्राचीन नाम है शतुद्री। आगे आता है विपाशा। विपाशा नदी, प्राचीन नाम विपाशा नदी है। आज की आधुनिक नदी व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाते हैं। फिर है सदानीरा। सदानीरा जो नदी है वो है आज की गंडक नदी। तो गंडक नदी का ही प्राचीन नाम है सदानीरा। फिर आता है दर्शदंती। दर्शदंती आज की घग्गर नदी को ही कहा जाता है। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम है दर्शदंती। नेक्स्ट आती है गोमती। गोमती जो नदी है वो प्राचीन नाम है, जबकि आज का आधुनिक नाम है गोमल। गोमल नदी का ही प्राचीन नाम हो जाता है गोमती। ठीक है, फिर आता है सुवास्तु। सुवास्तु जो नदी है उसका नया नाम हो जाता है स्वात, प्राचीन नाम है सुवास्तु। ठीक, सिंधु नदी प्राचीन नाम है जबकि नया नाम है, आधुनिक नाम है सिंध। सिंध नदी का ही प्राचीन नाम हो जाता है सिंधु नदी। ठीक है, फिर आता है सरस्वती या दृष्टधरती। दृष्टधरती जो अभी घग्गर मैंने बताया था वो सरस्वती ही कहा जाता है ऐसा। तो सरस्वती या दृष्टधरती या फिर इसमें बात करें घग्गर, रक्षी या चितंग, ये जो तीनों नदियां हैं घग्गर, रक्षी, चितंग, ये सरस्वती का ही पार्ट है या कह सकते हैं सरस्वती नदी ही है प्राचीन समय की, या फिर दृष्टवंती भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट सुषुम्ना। सुषुम्ना जो नदी है वो आज की सोहन नदी है। ठीक है, आधुनिक नाम है सोहन नदी और प्राचीन नाम हो जाता है सुषुम्ना। फिर आता है मरुद्रद्धा। मरुद्रद्धा जो कि आज की मरुवर्मन नदी है। तो गाइस, ये कुछ नदियों के नाम थे, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जो एग्जाम में अक्सर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी। तो मैं मानता हूं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इनको अच्छे से अपने नोट्स में शामिल करके रखें आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो वीडियो में बस इतना ही था, यही सब आपको क्वेश्चंस बताने थे नदियों से रिलेटेड, प्राचीन और आधुनिक नाम से संबंधित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी गई सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।